ध्यान से करता, बहुत ध्यान रखता है। अरे हाथ फंस जाएगा, मुझे टेंशन रहती है। देख रख दूंगी, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय राजस्थानी फैमिली ब्लॉग। और अब हो गई शाम, 8 दिन में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। अब चाय तो पी लिए सबने, और अब करूंगी मैं पहले तो चिप्स फ्राई करूंगी, उसके बाद में खींचे। जो 2 दिन पहले खींचे बनाए थे वो आज फ्राई करके बताऊंगी कि कैसे बने। और आज जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और अब करती हूँ मैं पहले चिप्स फ्राई, उसके बाद में करूँगी खींचे, और देखिएगा कैसे बने खींचे। अब मैंने चिप्स फ्राई कर लिए, और मैं चिप्स जब फ्राई करती हूँ एक पाया निकालती हूँ तो नमक मिर्ची मिलाती हूँ, फिर दूसरा निकालती हूँ, हाथों हाथ लगाती हूँ क्या हाथों हाथ सॉरी नमक मिर्ची मिलाती हूँ, क्योंकि इसको मिलाने से नमक मिर्ची अच्छे से लग जाते हैं चिप्स के, वरना बाद में मिलाते हैं ना तो वो लगते नहीं है हर चिप्स के इसीलिए। और साइड में दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। और मैं फिर खींचे फ्राई करने ही लगी थी तो मम्मी जी आए, फिर मम्मी जी ने बोला मैं खींचे फ्राई कर देती हूँ। तो अब मम्मी जी खींचे फ्राई कर रहे हैं, और आप बताइए कैसे बने खींचे। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और बहुत ही साइज़ में ऐसे बड़े हो रहे हैं खींचे, तेल के अंदर डालते ही इतने बड़े हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। और आपको कैसे लगे खींचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब सारे खींचे तोड़ कर टिफिन में डाल दिए हैं, जैसे सी लेना हो, ये ज़्यादा हो गए नहीं आ गए पूरे पूरे। और चिप्स भी इस टिफिन में डाल के रख देती हूँ। आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। ये नीम वाले पत्ते लिए हैं, लहसुन तो अभी मैं छील रही हूँ, और अब मैं बनाऊँगी, पहले लहसुन छील लूँ उसके बाद मैं चटनी बनाऊँगी टमाटर की आज। अब इसमें छोंक लगा दिया है चटनी में, अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक दे के रख दूँगी, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैंने गैस बंद कर दिया, वो चटनी बन गई है, ये देखिए। भिंडी बन रही है, और मोकर बना के टोपियों में निकाल दिया है, और बनाती हूँ रोटियाँ। देखिए काव्या क्या कर रही है, बेडशीट के अंदर बढ़ रखी है, पूरी पूरी बेडशीट हटा दी है। और प्रज्ञान इससे भी बड़े काम करा, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो टेबल के कंप्यूटर वाली टेबल है, उसके नीचे बढ़ के बैठा है, इससे पहले तो बढ़ जाता है इसमें अंदर, फिर कहता है बाहर निकालो, अब उतरा नहीं जाता है अपने आप, इसीलिए। क्या मिल गया प्रज्ञान? प्रज्ञान मेरी राजकुमारी कहाँ है? किसके अंदर छुपी रही है? बेडशीट में क्या? तो निकल जाओ, बाहर निकल जाते, कितनी गर्मी है, कभी बहुत गर्मी है, छुपी रही है। ओके देख प्रज्ञान तो निकल गया बाहर वहां से, और अब जा रहा है, कहाँ जाएगा प्रज्ञान? अब काव्या बेडशीट को छोड़ दिया, ये भी प्रज्ञान बैठा है वहीं पे बैठेगी। एक चाची जी आ गए, ये देखिए बाहर का व्यू, अभी जस्ट बारिश आके रुकी है, बहुत कम आई है लेकिन आई है बारिश अभी थोड़ी सी, और वापस रुक गई, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज होके रखी है। तो बताना क्या लगाऊं तेरे, है ना? कितनी गर्मी है, मेरी बिट्टू रह गई, पसीना आ रहा है। ओ बसों वाले लगाऊं क्या? लगाती हूँ ये, लगा दिया पहले तो एड आएगा,
उसके बाद में आएगा। ये चल गया किस? ये तो पिंक का बस है। प्रिया ने गद्दी हटा दी है सोफे की, ये साइड में तो मैंने ही रखी है, और अभी इस पे चढ़ रहा है, रह नहीं रहा है। प्रज्ञान पैर फंस जाएगा। और काव्य को खाना खिला दिया है, वो अभी टीवी देख रही है। प्रज्ञान एक बार काव्य ने हटाई थी इसके सामने ये गद्दियाँ, अब ये रोज हटाता है। अब इसको भी हटाना है। बड़े ध्यान से करता, बहुत ध्यान रखता है। अरे हाथ फंस जाएगा, मुझे टेंशन रहती है कि लग जाएगी लेक। अब देखो इसके काम, गिर जाएगा। अब तो हंसी आ रही है, फिर नोएगा कौन? अब प्रज्ञान तो रहेगा नहीं, इसको अब लेकर जाऊंगी और सुलाऊंगी। और आज का वीडियो है यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।